अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कंप्यूटर की टाइप्स के, कंप्यूटर कितने किस्म के होते हैं। सबसे पहले हैं जी सुपर कंप्यूटर, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज जैसे नासा वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई पावर होते हैं, नीचे आप शक्ल में देख भी रहे होंगे। और इसकी कुछ किस्में IBM और फोजिटसो की हैं, जो मैंने नीचे दे रखी हैं, आपने देख ली होंगी। बाकी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, आप देख लें। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस एंड डाटा प्रोसेसिंग आर द सुपर कंप्यूटर्स। दीज आर स्पेशलाइज्ड एंड टास्क स्पेसिफिक कंप्यूटर यूज्ड बाय द लार्ज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे मैंने आपको बताया नासा वगैरह में ये इस्तेमाल होते हैं। बाकी आप इनको लीजिए, वो देखिए सारी चीज़ें। तो ये रही सुपर कंप्यूटर की इमेज। आगे हैं जी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये भी बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन ये थोड़े सुपर कंप्यूटर से दर्जा नीचे आते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होते हैं, ये मेन सर्वर्स के तौर पर काम करते हैं। इनकी भी दो किस्में, हिटाची और फोजिटसो की, जो मैंने नीचे दे रखे हैं। इनकी इंग्लिश डेफिनेशन है, मेन फ्रेम आर नॉट एज पावरफुल एज सुपर कंप्यूटर बट सर्टेनली they are quite expensive nonetheless and many large firms and government organizations uses mainframes to run their business operations the mainframe computers can be accommodated in large air conditioned rooms because of the size ye size ki inka kafi bada hota hai isliye inko thande ya ac ke kamron mein rakha jata hai kyunki ye bahut zyada heat ka issue hota hai inka ye heat kharij karte hain ये बैंक्स वगैरह और लार्ज इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। ये भी काफ़ी महंगे होते हैं, तो आप देख लें। ये रही इसकी इमेज मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर ये मिड रेंज कंप्यूटर्स होते हैं, ये स्मॉल मशीन्स होती हैं। ये आमतौर पर डेस्क वगैरह ये किसी ख़ास ऑफिस के लिए दे दिए जाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो आर आल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर, दीज आर स्मॉल मशीन एंड कैन बी अकोमोडेटेड ऑन डेस्क विद नॉट एज प्रोसेसिंग एंड डाटा स्टोरेज capabilities as super and mainframe computers. These computers are not designed for a single user. Individual department of a large company organization use mini computer for specific purpose. किसी खास purpose किसी खास मकसद के लिए design किए जाते हैं। ये सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं होते, ये अमूमन एक organization किसी खास department को control करने के लिए एक computer दे देती है कि ये आप लोगों का server है, आप इसके ज़रिए अपने पूरे डिपार्टमेंट या पूरे आपके डिपार्टमेंट को एक्सेस करें। माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, इसकी किस्में हैं। ये रूटीन में हम लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या मोबाइल, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। ये सबसे ज़्यादा सस्ते हैं, ये गेमिंग के लिए, साउंड्स के लिए, म्यूजिक वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैलकुलेटर्स भी इन्हीं में शुमार किए जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का लेक्चर? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो हमें कमेंट्स में बता दें, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को कवर कर सकें।